हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया, तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही ना है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो, अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है वो मतलब नहीं है, असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई, गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए, और हम लोग 1,00,000 रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। संकल्पित है, लेकिन हम इतना आग्रह आप लोग से करेंगे कि अगर लोग पीना ही छोड़ दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जहर ही आ रहा है, कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। तो उस पर जितना भी हम बात करेंगे, बिहार के लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना है स्लो पॉइजनिंग ऑफ द पीपल। अगर आप कोई भी चीज, ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना, कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करें, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है, केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। इसलिए ये सरकार कहीं भी होगी, पूरा ये छिपा हुआ होगा किसी स्टेट में, उसको भी पकड़ा जाएगा, बिहार के लोग अगर होंगे वो भी पकड़े जाएंगे, बिहार से बाहर के लोग जो होंगे इसमें उनको भी पकड़ने का सरकार ने मन बना लिया। चलिए, हम लोग स्पोर्ट्स में आए हैं ना, दोनों ले लिए स्पोर्ट्स, अलग स्पोर्ट्स वाले मामले को लेकर 20 लोगों की मौत हो गई, हमारा कहना स्पोर्ट्स पे ही रहने दिया जाए। देखिए, इसलिए कहा है कि हम लोग का चाहत है कि स्पोर्ट्स पूरे बिहार में एक रिकॉग्निशन हो जाए, क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे थे, और जो माननीय मंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी या तेजस्वी जी का भी आया, अभी आपने देखा होगा कि ऐसे हॉस्पिटल जहां स्पोर्ट्स पर्सन का डायरेक्ट ट्रॉमा की तरह उनका ट्रीटमेंट हो, सभी चीज है।